राजस्थान की सरकार के अंदर मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो लगातार कभी अशोक गहलोत के साथ में होते हैं तो कभी सचिन पायलट के साथ में होते हैं, और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि मंत्री तो गहलोत सरकार के अंदर है वह, लेकिन साथ इस बार वह सचिन पायलट का दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब होगा, तभी सरकार रिपीट हो पाएगी, वरना सरकार रिपीट नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आला कमान के जो निर्देश हैं उसकी हम पालना करेंगे, और आला कमान जिसे चाहेगा हम उसे ही चुनेंगे। लेकिन जब उनसे बार बार पूछा गया कि गहलोत खेमे के अंदर जो विधायक हैं आप उनसे सहमत हैं या नहीं है, तब भी उन्होंने यही कहा कि गहलोत खेमे के अंदर जितने भी विधायक हैं उनसे अगर 1-to-1 चर्चाएं की जाएंगी तो सभी हाईकमान के आदेश मानने की सहमति कर देंगे। तो दिखाते इस पर रिपोर्ट कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नहीं बनेगा इसका फैसला आलाकमान करेगी, आलाकमान का फैसला हम मानेंगे। और रहा सवाल मेरी निजी राय का, तो आलाकमान जब मेरे से पूछेगी, ये लोग 1-to-1 जब बात करा रहे थे, पूछ रहे थे, तो इनको कहाँ दिक्कत आ रही थी? 1-to-1 के अंदर इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी मेरी जानकारी के हिसाब से, और सही चीज निकल के बाहर आती है। तो उसका विरोध किया, इसके लिए एक इन्होंने छल किया, इनके मन में दगा था, छल था, ये कहीं नहीं कहीं से अंदर से कमजोर थे। जो लोग 1-to-1 के अलावा कह रहे थे हम ग्रुप में मिलेंगे, वो मैं मेरे बंगले के अंदर आज CMR के अंदर नहीं जाने दो विधायकों को, और वहां मीटिंग हो पहले से, पर्यवेक्षक दिल्ली से आए, और मेरे बंगले के अंदर मैं विधायकों को टेंट गाड़ के यहाँ बैठा लूं, और उसके बाद में यदि मैं उनके इस्तीफे का रिजाइन का नाटक कर रहा हूँ तो अनुशासन, घोर अनुशासनहीनता, यह घोर अनुशासनहीनता। इसके बारे में मेरे हिसाब से तो इस फिल्म का डायरेक्टर शांति धारीवाल था, और इसके अंदर खलनायक ये प्रताप जी थे, और इसके अंदर नायक वगैरह आप छांट लेना कौन था इसके अंदर। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।